कहिंदे हे गल तां हर कोई जानदा है कि मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा रांझा पाइयां नूं छड्ड फकीर बणिया ते हीर छड्ड की पूर सहेलियां दा ते इक दिन असां परदेसियां वी तुर जाणा कुंडा मार के इन्हां हवेलियां दा कुंडा मार के इन्हां हवेलियां दा। सति श्री अकाल जी सारे नूं, मैं हां तुहाडी अपनी राधिका शर्मा ते एतिमान चैनल वेख रहे सारे दर्शकां दा करदे हां निघा स्वागत। अज असीं साडी एतिमान चैनल दी टीम पहुँच चुकी है जी सैक्टर 34 चंडीगढ़ जिथे मेला लग चुका है जी। जी हाँ, तुसीं वेख सकदे हो मेला है जी चंडीगढ़ विंटर फैसटिवल 2021 एंड 2022। सो मेला लगे है जी। ये मेले पहला सानू देखने को मिलते होंगे सी पंजाब विच विरसा लैके आते सी, पर अजकल एक टैंपरेरी जे मेले चल पे हुए ने इहो जे मेले होंगे ने। वैसे स्पैशल मेले लगाए जाते हैं, झूले लगाए जाते हैं, लोग आते हैं इत्थे शॉपिंग करके जाते हैं। ये मेला फन फूड एंड फैसटिवल लई आ, इत्थे बाहरों लोग आते हैं दूर दूर तो आके इत्थे शॉप्स लगाते हैं। सो आओ गलबात करते हैं इतों के विजिटर्स नाल कि इस मेले विच की खासियत है। तो जिवें कि सानू पता है करोना की तीजी लहर भी आ रही है। सो करोना की जिहड़ी तीजी लहर है ये इफेक्ट्स की हो रहे हैं, जिवें कि अज मैरी क्रिसमिस है, मैरी क्रिसमिस करके अज चंडीगढ़ के लॉकडाउन है तो 31st नूं भी, क्योंकि 31st वाले दिन बहुत ज़्यादा क्राउड होंगे इवेंट्स होंगे ने, इसलिए 31st नाइट का भी इन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है। चलो ऑडियंस तो पुछा, सत श्री अकाल मैम। ससिकाल जी, ससिकाल जी। मैम ठीक हो तुसी? बिल्कुल ठीक। तुसी मैम आ की खा रहे हो तुसी? मैं जी खा रही हां पाव भाजी। मेले विच पाव भाजी खा रहे हो मैम? जिवें जेडे आ मेले ने है ना, एक कितना वैसे टेंपरेरी मेला है, लोकां वास्ते लगाए जांदे ने है ना। पहला जेडे मेले हुंदे सी है ना, जिवें साडे आनंदपुर, मैं आनंदपुर साहब दी, साडे आनंदपुर साहब मेला लगदा होले मोहल्ले दा मेला है ना, जां ओह मेले हुण घट चुके ने। सो किवें फील करदे इस मेले विच, ओह फील आंदा है पंजाबी विरसे वाला फील? ये थोड़ा वैस्टर्न टच आ जाता जी, वैस्टर्न टच है ना जरा सा। देखो हम छोटा बच्चा है, मैं क्या मैं कह तू किशमिश वाली है जो पानी नहीं ड्रेस, कहना मम्मा आपने क्यों नहीं डाली किशमिश वाली ड्रेस, बताओ किस लिए नहीं पाई, दसो साहबजादे तो नीचे चले गए ने। कहते आज नहीं मैंने, कहता दीदी ड्रेस डालनी वो वाली ना, कहता अब तो मैं सही गल है जी। जिहड़ा मैरी क्रिसमिस है ये साडा त्यौहार नहीं है, ये वैसटर्न कल्चर का है। सो असी वैसटर्न कल्चर पता नहीं क्यों लेके आ रहे ने, असी अपना इतिहास भुलते जा रहे ने। सो बच्चे की जानते हो साहबजादियां बारे? साहबजादे नहीं अज चिने गए। नाम पता तुहानू साहबजादियां दे? नाम नहीं पता। चलो इन्नी बहुत वड्डी गल है कि बच्चे ने कहा कि मैं मैरी क्रिसमिस नहीं मनाना क्योंकि ये शहीदी दिहाड़े चल रहे ने। सो मैम वधिया लग्या मेले च घूम के? बस वो तुम्हें पता बच्चों करके आना भी पैदा है ना, और वधिया लग्या फिर भी कुछ कुछ जिदा आ देखो मिट्टी के बर्तन पे कोई पुरानी टिपिकल चीज़ा भी नज़र आ रही ने है ना। अच्छा जो पहले मेले होंगे सके जलेबियां बन रही ने, पकौड़े बन रहे ने है ना, कुछ इदा के काफ़ी मतलब मिल जाता से देखने वास्ते ना। तो सो मैम करोना की तीजी लहर आ रही है, हरियाणा ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है ना, नाइट करफ्यू लग चुका है। सो की फील करते हो तीजी लहर का लोगों के उपर इफेक्ट पवेगा? अजक हूँ लोग मास्क मुस्क भी हूँ लोग घट लगाते जिम्मे नहीं लगाया है ना, वैसे पकड़िया हो तो मतलब की फील करते हो तीजी लहर बारे, तो कहना चाहते? पहले तो अभी वाहगुरु अगर अरदास करते हैं कि तीजी लहर बिल्कुल ना आए, सारे चढ़ती कला के ही रहे है ना। बाकी देखो पहले काफ़ी लॉस चला गया है और कई जाना चली गई ने, परिवार काफ़ी परिवार जोड़े ने ना, ये असं तो वाहगुरु अगर अरदास करते कि तीसरी जी लहर वो आवे ही ना। चलो फिर भी सानू अपने आप वास्ते जिदा पहले सैनिटाइजर यूज करते घर के और मास्क देखो मेरे को भी है, बच्चे के कोल भी है ना, तो दूसरा नाच कौर खड़े ने देखो इन्होंने मुँह से मास्क लगाया हुआ है ना, तो इन्होंने ताल लगाया, इन्होंने कोई पहचान ना लवे। अच्छा इन्होंने पहचान किसी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े सेलिब्रिटी ने डरते भी ने, ठीक है ना, सारे हम पुराने हो गए हैं, घस घुस गए हैं ना। ओके सो मेन मुद्दा मैम, जरा मेन मुद्दा है हूँ 2021 के जो इलेक्शन होने 22 के सॉरी, सो कि पार्टी दिलों सपोर्ट कर रहे हो, कि पार्टी के दिलों जुड़े हो, की लगता है कि पार्टी के आने के इशार ने? तुम मेरा मैम माइंड ना करो, देखो गल इवें आ पार्टियां आप किसी पार्टी बारे नहीं कहते माड़ा गल है, मैं देखो अज की डेट भी देखा जाए तो अज के जोड़े ब्रांड किसानी बने हुए हैं, ठीक है, किसानी ब्रांड रहे ने। अभी देखो मैं असं तो यह कहने भी जेड़े भी वोट पाँगे वो कुछ देख सोच के वोट पाना, देख सोच के वोट इस तरह पाँगे, देखो उन्होंने देखो हूँ किसी मत्थे तो लिखा जाए किसी ने की करना है ना। हूँ हर एक मैं देखो पोलीटिकल का नाँ नहीं लवानगी, तुम्हें पता कि मेरे कॉन्ट्रोवर्सी बहुत जल्दी हो जाती है, सबन पता कि बलजीत धमाली है भी थोड़े क्रैक दिमाग दी है, सीधे बोल देती सारा कुछ ही, ठीक है ना। सो जिन्होंने असं तो यह कहने पब्लिक न कि जे तुसी वोट पानी है तो देख सोच के पानी वोट, सानू जिहड़ा लगे भी कैंडीडेट जिहड़ा हैगा आ कि साडे ये कम्मां ते पूरा उतर सकदा है, ये मैं कहना चाहवांगी ना। किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते जिन्हों तुसी सपोर्ट कर दे हो, तुसी चलो नाम ना लो, तुसी इन्ना दस दो तुहानू की लगदा किहड़ी पार्टी आऊगी? पार्टी आने वाले तो मैं तुसी मैनू लगदा मैनू फसाओगे सकंजे विच है ना,
गल इस तरह देखो मेरी हूँ विकास से गल चलती है ना कि किने की विकास किया कि की विकास किया है ना। फिलहाल तो दुनिया छो पंज पई है जी, कोई कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। माइंड ना वैसे करो अजक कई बार असं अपने घर दिया फैमिली गल भी आप एकदम डिसाइड नहीं कर सकते, तो पब्लिक की सारी गल हैगी है ना। आज जड़ी पार्टी आए वजिए काम कर करे देखो जी है ना, क्योंकि हूँ लोगों ने बहुत संताप भोग लिया है। देखो अज की डेट में साढ़े जो ब्रांड है वो किसान ही है ने ब्रांड है ना, तो असं यही अरदास करा भी जड़ी पार्टी भी आए वो वधिया विकास करे बच्चों की पढ़ाई का और जड़े भी जिस तरह की जड़िया सहूलत देखो है ने। हूँ देखो आम जड़े लेडीज़ तुम लगा लो उन्होंने होंगे जी भी घर की जी गैस सस्ती होनी चाहिए है, राशन पानी रीजनेबल रेट के उत्ते हो ठीक है। हूँ तो डीजल किन्ने महंगे हो गए हैं, अगर बंदा चुकता से गड्डी चली जाता हूँ सोचिए यार नहीं ये सारी चीज सॉरी बहुत कॉस्टली हो गई बहुत महंगा सारा कुछ हो गया ना। मैम बहुत वधिया लगे तुहाडे नाल गल करके, तुहानू वधिया लगिया? मैनू बहुत वधिया जी बहुत वधिया। मैम मेले च सब तो वधिया तुहानू क्या लगिया? मैनू मेले सब तो वधिया है मेनू तो राधिका शर्मा, पता गल की हुई है एक्चुअली मैं ना स्टेज से नाच करी मम्मा मम्मा भज गए मम्मा राधिका शर्मा की आवाज़ आ रही कि तुम पॉपुलर नहीं जाए तुम हो जो चैनल देखते दे हैं उससे थोड़ा चलता रहता है ना, इंटरव्यू चलती रहेंदियां ने तुम बड़े वे कलाकार अपने सिकंजे च लै लेंगे हो पोलीटिकल सिकंजे लै लेंगे हो है ना। ये राधिका हम थोड़ा तो ना ही एडा पॉपुलर हो चुका है ना सारे चैनल के उत्ते है ना, कि मम्मा मैंने राधिका जी की आवाज़ लगती पई है जो अभी देखे तो सू क्या अस मैं क्या मतलब कि सा घूमना फिर सफल हो गया सा ना। मैम बीबा बलजीत कौर मोहाली सो बहुत ही पॉपुलर सिंगर ने, इन्हों की असं परफॉर्मेंस भी दिखावे स्टेज से, इन्हों लैके जावे दस देना चाहनी हाँ। इस मेले की एंकर भी मैं ही हाँ, सो आओ इतने लोगों गलबात करते हैं कि मेले में की स्पैशल है। यहाँ पे मिले दिल्ली के मशहूर मूंग दाल के राम के लड्डू, सो ये वाले जो भैया हैं ना ये दिल्ली से आए हैं। ओके मैम आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? हम ये खाने के लिए खड़े हैं। लड्डू खाने को खड़े हो? हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके मैम आपको मेला अच्छा लगा? हाँ मैं फर्स्ट टाइम आई, अच्छा है मेला बहुत अच्छा लगा। हाँ जी ओके क्या 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 अच्छा लगा आपको मेले में? पहली बात तो आपने जो स्पॉन्सर किया वो वाला प्रोग्राम डांस वाला बच्चों का दैट वाज गुड। हाँ आपको मेरा नाम पता है? राधिका। हाँ जी अच्छा मैं अच्छी लगी आपको? हाँ जी कितनी? बहुत कितनी अच्छी बात है, मैं लोगों को बहुत अच्छी लगती हूँ। ओके मैम आप जैसे कोई अभी इलेक्शन आने वाली है तो है ना नेक्स्ट ईयर में 2022 में, तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? आप आम आदमी। वाओ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी? बिल्कुल आनी भी चाहिए। ओके आनी भी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिल्ली में हम देख ही रहे हैं, तो मैं तो उसी को सपोर्ट करती हूँ। ऑल दो आई वॉन्ट सपोर्ट एनी पार्टी बट दिस पार्टी इज़ गुड। जैसे सियाने कहते होते हैं जैसे गांव में पंचायत होती है कोई बंदा बार बार हारी जा रहा है ना, तो कहते हैं एक मौका सबको देना चाहिए कहते हैं, तो अभी पोस्टर लगे एक मौका केजरीवाल को, तो आपको मतलब दिल से चाहते हो कि केजरीवाल जी आ जाएं? बिल्कुल बिल्कुल मैं तो ये चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी ही आए क्योंकि सबको मिल गया मौका, सबने कर ही लिया जो करना था, बट इनको भी एक मौका देना चाहिए। लेट्स सी कि क्या करते हैं वो आगे, अच्छा ही करेंगे ऑब्वियस है। सो देखते हैं यहाँ पे लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है उसका लोगों में ज़्यादा जोश है आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक एक मौका सबनों मिलना चाहिए। सो वेखते हैं हले इलेक्शन का ही जोर है, सारी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही ने, सो आओ होर किसी ना गलबात करते हैं। सत श्रीकाल मैम। मैम मेला अच्छा लगा आपको? हाँ जी बहुत अच्छा। ये स्वीट कॉर्न खाने को खड़े हो? हाँ जी हाँ जी। छली बॉइल्ड होती खाली है? हाँ अच्छा लगा आपको? बहुत टेस्टी है। आपको पता है इसमें प्रोटीन होता है? यस मैम। मिल गया आपकी बॉडी को प्रोटीन? यस यस। ओके मेले में क्या अच्छा लगा आपको? एवरीथिंग सब कुछ अच्छा है। ओके मेरे को देखा था आपने मेले में? हाँ देखा था मैंने। कहाँ देखा? डांस स्टेज पे? यस मैम। अच्छी लगी मैं आपको? बहुत अच्छी लगी। ओके चलो मैम कोरोना की तीसरी लेयर आ रही है ना, तो हरियाणा में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तो आप क्या कहना चाहोगे मतलब ये तीसरी लेयर आ रही है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब कि है कोरोना तीसरी लेयर आ रही है? अभी ऑडियंस को भी मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आपने चंडीगढ़ में घूमना है कहीं पे भी अगर आपने आउट ऑफ स्टेट जाना, तो आपके दो वैक्सीनेशन दो टीकाकरण अवश्य लगे होने चाहिए, अगर नहीं लगे तो आपका मॉल में जाना कहीं पे भी जाना पब्लिक प्लेस पे अनिवार्य नहीं है। सो मैम आप बताओ आपका आप इसको कैसे देख रहे हो अभी दोबारा से कर्फ्यू आ रहा है? देखो जी ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों का लॉकडाउन बहुत ज़्यादा मतलब लॉस बहुत हुआ है लोगों का, हमारा भी हुआ है सबका हुआ है मैम। ओके गरीब गरीब हो गया है ना, अमीरों का तो चलो छोड़ो क्या कहना। ओके मैम आपने मुझे बताना है इलेक्शन आ रहे हैं है ना, तो आप कौन सी पार्टी को दिल से सपोर्ट करते हो, आप क्या चाहते हो कौन सी पार्टी कौन सा चेहरा हमें देखने को मिले? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी? यस। पक्के सपोर्टर हो? यस यस यस। क्या करके दिया कांग्रेस ने आपको?
वैसे जो सदियों से चलता आ रहा है, अगर कोई सिखिज्म से रिलेटेड है वो अकाली है, अगर कोई ब्राह्मण है तो कांग्रेस ही है, ऐसे चलता आ रहा है या वैसे आपका इंडिविजुअली कोई फैसला नहीं है? इंडिविजुअली आप किसको, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने क्या अच्छा किया? कांग्रेस ने अभी जैसे लेटेस्ट नहीं अभी किया, उससे पहले क्या किया? उससे पहले तो कुछ नहीं किया, अभी तो 3 महीने रह गए ना मैम। तो वैसे ही अकाली कांग्रेस को पसंद करती हूँ मैं। कांग्रेस को पसंद करें, कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपका? मेरे लीडर फेवरेट तो कोई भी नहीं है, लीडर तो कोई मेरे ख्याल से आपकी फैमिली आपको उसको सपोर्ट करती है कांग्रेस को, इसलिए आप यस 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 यस। ओके, वैसे इंडिविजुअली आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके चलो, सत श्रीकाल सर। हाँ जी सत श्रीकाल मैम। सर आप मेले में घूम रहे हो? बिल्कुल। ये कौन है आपके? ये मेरे आप जानते हैं इन दोनों को, कौन है ये? बिल्कुल मेरी वाइफ और बेटा। अच्छा हाँ जी। ओके, अच्छे हैं ये लोग? हाँ बढ़िया बिल्कुल। ये दोनों अच्छे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। ओके चलो, मेले में क्या अच्छा लगा आपको? मेले में मैम देखो, एक तो बहुत टाइम बाद आए हैं, ठीक है, मतलब एक तो कोरोना का डर था और कब अभी चलो वैक्सीनेटेड फुली होके मेले में आए हैं, तो इतना क्राउड देख के ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले हम 17 गए थे, वहाँ पे भी क्राउड था, पर साथ डर भी है, और देखो एंजॉय कर रहे हैं। लगता है आपको कोरोना से डर? देखो डर तो लगता ही है, डर तो ऐसा है भी कहीं सब कुछ ठीक हुआ है। देखो पिछले दिनों में जो काफ़ी इतना लॉस हुआ लाइफ का और का, पर हमें प्रिकॉशन लेके एंजॉय भी करना चाहिए। बट कई लोग हैं जो मतलब गांव वाले हैं, जहाँ थोड़ा इलिटेट कह लो, या फिर जिन लोगों को लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोरोना नाम का कोई भूत है, वो आया था और चला गया व्हाटएवर। क्योंकि जब भी कोई एपिडेमिक आती है लोग हमें मरते हुए दिखाई देते हैं, है ना, पर मोस्टली जितनी भी डेथ्स हुई हैं वो सड़कों पर कोई नहीं मरा, मोस्टली लोग हॉस्पिटल्स में मरे हैं, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लेम्स भी चले हैं हॉस्पिटल्स पर, है ना। तो चलो व्हाटएवर, इस पर ज़्यादा टॉक करेंगे तो सरकार हमें उठा भी सकती है। ओके चलो सर, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो कौन सी पार्टी को दिल से सपोर्ट करते हो, कौन सा चेहरा देखना चाहते हो एज अ प्रधानमंत्री? देखो दोनों पार्टियों को हमने कांग्रेस और बीजेपी को ट्राई कर लिया, तो हम चाहते हैं एक नया चांस एक आम आदमी पार्टी को भी दिया जाए, एटलीस्ट ट्राई किया जाए, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार ट्राई किया जाए, फिर 5 सालों में वो जो अभी इतने ज़्यादा दावे कर रहे हैं कि हम 5 सालों में ये कर लेंगे, देख लेंगे वो कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं। आपको लगता है केजरीवाल जी करेंगे? आप क्या सोचते हो केजरीवाल जी के बारे में, क्या वो अच्छे इंसान हैं? हमारे एक दो जो फ्रेंड्स हैं या मेरे फादर के फ्रेंड्स हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने इन केजरीवाल के बारे में देखो अच्छा ही बताया, जो इसका अपना इलेक्ट्रिसिटी का और का जो उसने बताया इम्प्लीमेंट किया है, और हॉस्पिटल्स का भी जो मतलब इमीडिएट जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उस पर वो इम्प्लीमेंट तो किया है उसने। अब देखते हैं वो सेम मॉडल, वो कह तो रहे भी हम पंजाब में अप्लाई होते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं, वो तो एक बारी अगर पार्टी आ जाए तभी हम बता सकते हैं। सो आप देखना चाहते हैं एज अ प्रधानमंत्री केजरीवाल? एक बारी हम उसे पंजाब का 5 साल हम देना चाहते हैं, फिर देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल होते हैं और जो वो इतने क्लेम कर रहे हैं वो कहाँ तक वो उसे सक्सीड करते हैं या अचीव करते हैं। आप इसको पॉजिटिवली ले रहे हो या नेगेटिवली ले रहे हो? मैं मैडम एज ए पॉजिटिव ही आदमी हूँ, मैं एज ए लॉयर भी हूँ और हर चीज़ पॉजिटिवली लेता हूँ। बिल्कुल हाँ जी। सो थैंक यू सर, आपने अपने रिव्यूज़ दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। सो देख सकते हो मेले में कितना ज़्यादा क्राउड है, लोगों को अच्छा लग रहा है, मेला घूमना, प्यारे प्यारे बच्चे। ओके चलो हम और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं लोगों से कि मेले में उनको कैसे मज़ा आ रहा है। ओके हेलो मैम, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल। ओके मैम, आप मेले में क्या कर रहे हो? अभी हम आई हैं मैम। आप जब पूरियां छोले खाओगे मतलब मास्क लगा के खाओगे? नहीं ऑब्वियसली रिमूव तो करेंगे। फिर आप मास्क नीचे कर लो, हमने आपके लिप्स देखने हैं बात करते हुए। नहीं नहीं मैम, थैंक यू। ओके मैम, आप यंगस्टर हो, एज अ यंगस्टर आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? नो कमेंट्स राइट नाउ, पॉलिटिकल किसी पार्टी को भी नहीं। चलो आप ये बता दो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी? आप लग रहा है मुझे। आप लग रहा है, थैंक यू मैम। ओके ओके हेलो मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, ठीक हो मैम आप? मैम ठंड बहुत लगती है आपको, है ना। ओके मेले में अच्छे लग रहे हैं घूम के आपको? ठीक लग रहा है। ओके चलो मैम, नाइट कर्फ्यू लगने वाला है चंडीगढ़ में, आपने दोनों वैक्सीनेशन लगा रखे हैं? हाँ जी। कौन सी लगाई, कोवैक्सीन या कोवाशील्ड? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन लगाई, वैसे कोवाशील्ड को मान्यता प्राप्त है, कोवैक्सीन का थोड़ा चक्कर चल रहा है। ओके चलो क्लियर कर लेना आप। चलो मैम आपको क्या लगता है अभी इलेक्शन आने वाली है कौन सी पार्टी का सपोर्ट करते हो आप? ऑल ओवर इंडिया अभी इलेक्शन होंगे, है ना, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का कौन सा चेहरा सामने आएगा? बीजेपी।
बीजेपी पक्के सपोर्टर हो बीजेपी के? हाँ जी। मतलब एज अ प्रधानमंत्री किनको देखना चाहते हो आप? मोदी। अच्छी बात है मैम, लव यू मैम, आप बहुत कैंट हो। ओके सो देख सकते हो कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, पर कई लोग हैं जो दिल से चाहते हैं आपको। वो कहते हैं कि एक मौका आपको भी देना पड़ता है, क्योंकि हमने बीजेपी भी देख रखी है, कांग्रेस भी और अकाली भी, और सारी पार्टीज हमने देख रखी है। हेलो मैम, सत श्री अकाल। ओके सो मैम मेले में घूम रहे हो, मैम इधर आ जाओ, वो बना लेंगे वीडियो। तो अच्छा लग रहा है आपको मेला? हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सो मैम आपने दोनों वैक्सीनेशन लगवा रखे हैं? हाँ जी। अभी कंपलसरी हो गया, अगर आपने कहीं पे भी जाना है तो दोनों वैक्सीनेशन लगे होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, दोनों लगे। हरियाणा में लॉकडाउन लग चुका है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तो आपको क्या लगता है तीसरी लहर आएगी, फिर से लॉकडाउन लगेगा? हाँ लगता है मुझे, होएगा। हाँ जी। ओके लॉकडाउन होएगा। ओके एज अ इंडियन सिटीजन आपको क्या लगता है अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कौन सी पार्टी का चेहरा हमें देखने को मिलेगा? आप कौन सी पार्टी को दिल से सपोर्ट करते हो? कांग्रेस को। कांग्रेस को करते हो? पक्के सपोर्टर? हाँ जी। मतलब उन्हीं को वोट डालोगे? हाँ जी, हाँ जी। चलो कांग्रेस पे सपोर्टर, थैंक यू मैम। सो कई लोग जो दिल से पक्के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कई बीजेपी के, जिनका सदियों से यही चलता आ रहा है कि उनकी फैमिली पीछे से ही वो सारी ज़िंदगी एक ही पार्टी को वोट डालेंगे, उनका इंडिविजुअली कोई भी डिसीजन नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते शायद इंडिविजुअली कि हमने क्या वो करना है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो, ये आपने ये लगा रखा है, ये कैप क्यों लगाया? सेंटा क्लॉस। आप वेस्टर्न कल्चर के हो या इंडियन कल्चर के हो? इंडियन कल्चर। फिर इंडियन कल्चर में सेंटा क्लॉस का आता है जिक्र कहीं भी? ये तो बाहर का है, अमेरिका का है। हाँ? इंडिया का आपको कल्चर पता है क्या है? नहीं पता। सिख इतिहास के बारे में पता है? नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, चलो क्या पता है? क्योंकि देखो भगवान एक होता है, भगवान हर एक कंट्री हर एक कल्चर के अंदर एक ही होता है, जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, ये सब एक ही है। इंसान तो इंसान होता है लेकिन एक भगवान एक ही होता है। भगवान जी कहाँ रहते हैं? हमारे इधर, इधर दिल में। यहाँ आत्मा होती है। ओके तो आपको मेले में अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आपने क्या क्या देखा मेले में? हमने इधर स्विंग्स लिए, हमने इधर भेलपूरी खाई, छोले भटूरे खाए, बहुत कुछ। उधर डांस भी हो रहा था, स्टेज की तरफ गए थे आप? वहाँ कौन था स्टेज पे? आप। मैं अच्छी लगी आपको? कितनी? ठीक ठाक। ठीक था। ओके ओके चलो, आप क्रिसमस मनाते हो? मैरी क्रिसमस मनाते हो आप? ओके yes. अच्छा लगता है? यस। ओके थैंक यू सो मच, बाय कर दो। जाओ भी आप। सर मेले में आए हो, अच्छा लग रहा है? हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो मैं पंजाबी गल कर दिया। ओके दोनों वैक्सीनेशन लग गए थोड़े? हाँ जी दोनों लग गए हैं। ओके मेले विच की वधिया लग्या? मेले विच झूले, कुड़ियां सोनी सोनी कुड़ियां देखने आए हो? ओके सो एज अ यंगस्टर 2022 विच इलेक्शंस आ रहे ने, केड़ी पार्टी नु दिल तो सपोर्ट कर दियो, की चाहते हो केड़ा चेहरा सामने आवे, केड़ी पार्टी सामने आवे? सही किसान दी सपोर्ट विच है, किसान आवे जे कोई अगे तो वधिया होगा, बाकी पार्टी तो कोई वधिया लग नहीं, काम तो कोई करदा नहीं। किसी भी पार्टी पे यकीन नहीं है? नहीं किसी ते भी नहीं। नहीं। ओके सो जेकर इलेक्शन होए आही पार्टी किसानां दी, कोई पार्टी सामने नहीं आई, फिर किनु सपोर्ट करोगे? फिर शायद आम आदमी पार्टी हो सकती है। शायद आम आदमी पार्टी? हाँ जी। ओके थैंक यू सो मच। ओके सो आम आदमी पार्टी दे ज़्यादा सपोर्टर्स मिल रहे ने, ज़्यादा लोग है जेड़े आम आदमी पार्टी नू सपोर्ट करते ने, दिल तो करते ने। और हेलो मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, भागती क्यों, मैं चुड़ैल हूँ। नो मैम, मेला अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा मेले में? मेले में ये खाने पीने का ऑप्शन बहुत है, और थोड़ा बहुत परचेज करने के, सेलिंग के बहुत अच्छी ऑप्शन है, थोड़ा इंजॉयमेंट भी हो जाती है ना। ओके सो दोनों वैक्सीनेशन लग गए आपके? जी हाँ जी। ओके दोबारा से कर्फ्यू लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, तो कैसा महसूस करते हो इन बातों को सुन के, जब आती है ये खबरें कि लॉकडाउन लगेगा, तो क्या लगता है फिर से वही गरीबी वाले दिन आएंगे? लोग की अवेयर नहीं है, उनको ना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, है ना, हॉस्पिटल के मास्क लगाने चाहिए, भीड़ वाली जगह से दूर रहना चाहिए, अगर हम प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं ना तो ऐसे। मैम बोले भीड़ वाली जगह से दूर रहना चाहिए, और मैम खुद इस मेले में आई, इस मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है। नहीं, आप क्राउड दिखा दीजिए कि मेले में कितना क्राउड है। ओके मैम, आप कौन सी पार्टी को दिल से सपोर्ट करते हो, क्या चाहते हो, कौन सा चेहरा सामने आए? पार्टी, पॉलिटिशियन पार्टी, इलेक्शंस आ रहे हैं। आई वांट बीजेपी।
बीजेपी पक्के सपोर्टर हो, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो? मोदी को। कि प्रधानमंत्री के रूप में ही उनको दोबारा देखना चाहते हैं, इतने पक्के सपोर्टर, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं। मैम ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? देखो एक साल से ऊपर हमारे किसान वहाँ पे बैठे, 700 के ऊपर किसान शहीद हो गया वहाँ पे। अगर राजा इतना अच्छा हो तो प्रजा सड़कों पे क्यों मर रही है? वो तो कांग्रेस के टाइम में भी सब चीजें होती थी। नहीं मैम, कांग्रेस के टाइम पे ऐसे किसान ऐसे आंदोलन नहीं हुए थे। बोलने दीजिए, एज अ पीएम और कोई चेहरा है ही नहीं तो क्या करें? आप बताइए ऑप्शन में और कौन हो सकता है? केजरीवाल जी के बारे में आपका क्या ख्याल? हाँ, अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली, अगर हम केजरीवाल जी को देखें तो एक ईमानदार इंसान वो हमें लगते हैं। फिर आप तो बीजेपी के सपोर्ट करें, आप कह रहे हो कि मोदी सब कुछ है। वो कभी केजरीवाल जी है ना, वो बन ही नहीं पाएंगे, जनता उतना उनको ना वोट मिल पाएगा ना ही। मैम इम्पॉसिबल के स्पेलिंग आई एम पॉसिबल होते हैं, अभी वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा ही ना। हाँ अब डिपेंड करता है, लेकिन हाँ अगर केजरीवाल ऑप्शन में होते हैं कि पीएम पे उनका चेहरा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दिल्ली में हमारे भी रिलेटिव्स रहते हैं और दिल्ली में बहुत सुधार हुए हैं सच में, चाहे कहो के सरकार का खजाना खाली किया या जो भी किया, लेकिन दिल्ली में सुधार देखने आप क्या चाहते हो दिल से कि कौन सामने आए? दिल से तो सच में केजरीवाल। लव यू मैम। ओके मैम आप बताओ आप किनको चाहते हो, कौन सा चेहरा सामने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझे शुरू से आम आदमी पार्टी बहुत पसंद है, और अगर केजरीवाल जी एज अ पीएम आ सकते हैं आगे तो बिल्कुल उनको आना चाहिए जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम हेलो सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, ठीक हो सर आप? बिल्कुल। अच्छा आप छल्ली भी मास्क लगा के खाओगे? नहीं वो तो उतार दिया, अब यहाँ पे प्रोटोकॉल है ना, लगाना पड़ता है। ओके आपको पता है चंडीगढ़ में जो है रूल ज़्यादा है हर चीज़ में, चाहे गाड़ी चलानी वो भी टेंशन में चलानी। अगर गाड़ी में आप अकेले गाड़ी चला रहे हो फिर भी आपको मास्क जरूरी है, गाड़ी से भी आपको कोरोना हो सकता है। हाँ गाड़ी से भी हो सकता है, बीवी से भी हो सकता है, घर पे नहीं होता उसके साथ, लेकिन गाड़ी में बैठोगे बिना मास्क के तो हो जाएगा। हाँ, रात को नहीं पता नहीं कौन बनाता है ऐसे कानून। ओके सर, दिल से कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, कौन सा चेहरा सामने आना चाहिए? इट इज अ बिजनेस, ये जो पॉलिटिक्स है ना, हमारे बैंक में कोई लाख दो लाख रुपया आ जाए ना कहीं से तो इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, और अगर 5 साल में इनकी इनकम देख लो पहले कितनी है और 5 साल बाद कितनी है, पता नहीं कैसे एडजस्ट करते हैं ये लोग। इट इज़ अ बिजनेस, कोई भी आ जाए, सबने पहले अपना घर, फिर वो साथ वाले 10-12-20 जो होते हैं उनका, शायद फिर थोड़ा बहुत बचे। पर सर जैसे मम्मी मेरे कहते हैं कि अगर अच्छे इंसान है इस दुनिया में तभी ये दुनिया चली है, वरना कलयुग है, 100 रुपए के पीछे भी लोग कत्ल कर देते हैं, है ना, 5 उंगलियां एक साथ नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कोई अच्छा इंसान अगर है तो मतलब कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो आप? अभी तो कुछ नहीं सोचा जी, अभी जो आएंगे चेहरे नए नए फिर देखेंगे उसमें। क्या लगता है कौन सा आएगा, कौन सी पार्टी आएगी? अभी तो मिक्स है, अभी तो ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो लीडर हैं इन्होंने किस पार्टी में रहना है, समझे ना। अभी कांग्रेस वाला बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी वाला आप छोटे छोटों को जोर छोड़ो, बड़े चेहरे की बात, बड़े चेहरे जा रहे हैं आप देखो न्यूज। नहीं केजरीवाल जी भी कोई और पार्टी अपना लेंगे आपको लगता है? केजरीवाल नहीं, उनके जो एमएलए हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले आगे ऐसे। सर भगवंत मान जी वो तो पक्के सपोर्टर है, कोई और भी है वैसे हमें तो नहीं लगता वैसे ऐसा कुछ है। चलो वैसे आपको क्या लगता है कौन से असार लग रहे हैं, कौन सी पार्टी आएगी? अभी तो खिचड़ी बनती दिख रही है ना, खिचड़ी दिख रही है इनकी तो। ओके आप क्या चाहते हैं कौन सी आए? भाई जो अच्छा काम करे, हम तो कहते हैं जो अच्छा लोगों का काम करे, ये नहीं सिर्फ एक जात के लिए बने कोई या एक कम्युनिटी का हो, सभी का अच्छा काम करे वो बंदा आना चाहिए। अब तक हमने सारी पार्टीज देख ली है, एक पार्टी हमने नहीं देखी? सभी देख रहे हैं जी, सब देखी हुई है पार्टीज। अब ये है भी चलो जो भी आए अच्छा आए, आना तो है किसी ने तो आना ही है ये तो पता है, या मिलके आएंगे या एक आए, जो भी आए यही दुआ है कि अच्छा काम करें, लोगों का काम करें। तीसरी लेयर आ रही है कोरोना की कहते हैं, मतलब ये लॉकडाउन लग रहा है दोबारा से, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हो ये सुन के? फिर से डर लग रहा है भी अंदर ना जाना पड़े घरों के, जैसे लोगों के बिजनेस ये जो बेचारे हैं इनके बिजनेस फिर से बंद हो जाएंगे, बहुत से लोग रोड पर आ जाएंगे, बहुत से जो मुलाजम है कच्चे मुलाजम है उनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी, बहुत बुरा हाल होगा। अब देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कैसे इनका भी देखें, सबका घर चलता रहे, ये चीज़ें हैं। सो इस जो लॉकडाउन ने है लोगों के दिलों को झिंझोड़ के रख दिया है, क्योंकि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका है। सो कई लोगों ने सुसाइड भी की थी, जैसे पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था फैमिलीज की फैमिलीज में सुसाइड्स की थी। सो बहुत बुरा लगता है ऐसी खबरें देखकर, हमारा दिल झिझोड़ जाता है कि क्या है ये कोरोना, क्यों बार बार ये आ रहा है, कभी इसकी तीसरी लहर आ जाती है, कभी चौथी आ जाती है ना, लोगों को दिल दुखता है। चलो इन सर से बात करते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी सर। मेला कैसे लग रहा है आपको?
मेला ठीक है मैम, बढ़िया बढ़िया है मेला। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आप भी बढ़िया हो सर। हाँ जी बता, बता। सर पूरा पालन कर रहे हो है ना रूल्स का? बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं मास्क, आपके मुंह में मास्क नहीं है पर ये है आपका रीजन। मैं फिर मेरी खूबसूरती लोगों को दिखाई नहीं देगी। ओके, तो आपको खूबसूरती चाहिए, कोविड चाहिए? ओके, वो तो जो होना ही होके रहेगा। ओके चलो सर, दोनों वैक्सीनेशन हो चुके आप? बिल्कुल मैम। कौन से, कोवैक्सीन या कोवाशील्ड? कोवाशील्ड है मैम मेरा। सर जैसे पीछे पहले रूमर्स थी कि कोवैक्सीन को मान्यता नहीं मिली, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कोवैक्सीन है जो कहते थे जिनके कोवैक्सीन लगे उनको कोवाशील्ड लगना चाहिए, कोवैक्सीन रद्द कर दी, ऐसा कुछ है? मैम इसके लिए मैं तो मतलब मुझे कोई, मेरा कोई व्यू नहीं है उसमें, ये तो ऑब्वियसली जो मेडिसिन बना रहे हैं उन्हीं को ज्यादा पता है। WHO ने उसको मतलब मान्यता नहीं दी कोवैक्सीन को, तो डेफिनेटली कुछ रीजन होगा उनके पास उसको नहीं देने का। पहले लगा दिए बाद में रद्द कर दिए। ओके सो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिल से सपोर्ट करती हो, क्या चाहते हैं कौन सा चेहरा सामने आए? ये तो मैम बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं यही बोलूंगा जो अच्छे लोग हैं वही आने चाहिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, ठीक है ना? पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, बिल्कुल। चलो हम समझ गए, हम समझ गए। थैंक यू सर। ओके सो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से बात करके, सो देखते हैं। हेलो मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैम बड़े सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। इतनी हीरोइन बन के मेले में घूम रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं। बड़ा अच्छा ड्रेसअप है मैम आपका, ठंड तो नहीं लगती? नहीं नहीं, फुल है ना? ओके चलो मैम, एज अ यंगस्टर आप कौन सी पार्टी को दिल से सपोर्ट करते हो, क्या चाहते हो कौन सा चेहरा सामने आए? पॉलिटिक्स में ऐसा इंटरेस्ट है नहीं। फिर भी मैम आप यंगस्टर हो, देखो इंडिया के यंगस्टर पंजाब के मोस्टली बाहर जाते हैं ओनली फॉर वर्क, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं है ना, तो इतना वहाँ पे जाके हार्डवर्क करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपने माँ बाप के पास ही रहें, यहीं पे हम हार्डवर्क करें, हमें बाहर जाने की जरूरत है। तो आप चाहते हो कि बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे अच्छा हमारी सिस्टम हो? ज़रूर, मतलब बाहर अगर जाने के लिए वैसे भी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया में ही हो, अगर डोमेस्टिक हो तो ऐसा इतना हमारे पास वो नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इंडिया में इतनी, तो उसके लिए हमें जाना तो पड़ता ही है। पर फिर अगर बैकग्राउंड से आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो एज अ होल इंडिया के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। तो आप क्या चाहते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए? ऐसा चाहे सपोर्ट भाजपा ओनली। भाजपा? हाँ जी। ओके ओके, आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। एज अ प्रधानमंत्री किनको देखना चाहते हैं? आई एम फाइन विद नरेंद्र मोदी जी। ओके, क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? देखिए अब हर चीज़ के, हर एक कॉइन की टू साइड्स तो होती हैं, अगर उन्होंने अगर अच्छी चीज़ें की है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो उसका साइड इफेक्ट होएगा जो बुरा होएगा हमारे लिए, पर आई डोंट माइंड मोदी जी डूइंग लाइक फॉर एग्जाम्पल वो क्या था मैम, अगर इतनी अच्छी हमारी सरकार है इंडिया की तो क्यों लोग मर रहे हैं, फैमिलीज की फैमिली सुसाइड कर रही हैं ड्यूरिंग कोरोना, इतने लोग मरे, गरीब होता जा रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। अगर सरकार इतनी अच्छी है, मैंने एमए बीएड कर रखा है, मेरे को तो सरकारी नौकरी नहीं मिली, कच्चे मुलाजिम सड़कों पर रुल रहे हैं, तो मतलब अगर सरकार इतनी अच्छी है तो हम मतलब अच्छा क्यों नहीं है, हम अमेरिका कनाडा क्यों जा रहे हैं? चलो ये मोदी जी के पक्के सपोर्टर, आप रहो। ओके सो औरों से बात करते हैं। ओके हेलो मैम, सत श्री अकाल। हेलो सत श्री अकाल। ओके कैसे हो मैम? बढ़िया। येलो येलो डट्टी फैलो। और ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरे ब्रदर हैं, ये मेरे मदर हैं, ये मेरी ग्रैंड मदर हैं। ओके हेलो मैम, सत श्री अकाल। क्या बोला? ठीक हो तुसी? ठीक हो आप? महाराज सत श्री अकाल महाराज। ओके मैम, वैक्सीनेशन लग गया आपके? हाँ जी। दोनों? हाँ जी। ओके मैम, किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हो दिल से? आप? आपको कर रही हो? आप किस पार्टी को कर रही हो? आपको, सारे आपको कर रही हो। ओके सो मैम, कई लोग कैसे अंधभक्त भी कह सकते हैं है ना, कुछ भी कह सकते हैं, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी, केजरीवाल जी को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का? अकॉर्डिंग टू मी चांस मिलना चाहिए, एक चांस सबको, सब डिजर्व करते हैं, हर एक पार्टी, कांग्रेस को भी देख लिया हमने, बीजेपी को भी देख लिया, अब एक चांस आपको मिलना चाहिए। मैम कई लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं, दे आर टोटली ब्लाइंड है ना, वो इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले पा रहे, दे हैव ऑलरेडी सीन द सिचुएशन कि जो भी इंडिया में हुआ है अभी तक इंडिया ने तरक्की नहीं की, रुपया तो घटता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, तो मतलब ऐसा क्यों नहीं करते लोग, मतलब क्यों नहीं इंडिविजुअली डिसीजन ले पा रहे? इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं,
उन्हें फेथ नहीं है, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं वो। दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी उनको विश्वास नहीं है। पर आई डोंट नो पब्लिक क्या चाहती है क्या नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि कौन सा लीडर क्या करना चाहता है, वो क्या चाहते हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है पब्लिक की, अपने लीडर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जो वो फुलफिल कर रहे हैं वो, मतलब उन्हें लग रहा है कि उनके लिए वो सेटिस्फाई नहीं है वो उसमें भी, जो लीडर कर रहे हैं उनके लिए। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, लीडर्स को भी नहीं पता, आई डोंट नो। आप एज अ प्रधानमंत्री किनको देखना चाहते हो? जो भी बनेगा प्रधानमंत्री, बस वो बेटरमेंट के लिए बने, पब्लिक के, इंडिया के बेटरमेंट के लिए। हमारे लिए कोई भी बने, बस वो इंडिया को डेवलप करें, इंडिया में जो भी आज हम फेस कर रहे हैं सिचुएशन वो सब ख़त्म हो जाए, जो कुछ भी हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स वो सारी बस सॉर्ट आउट करते हैं वो। अब किसान वाला एक साल बाद जाके उन्होंने क्लियर किया है, वो सॉर्ट आउट किया उनकी सॉल्यूशन, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। तो आप नाम लेना चाहोगे जिसका चेहरा आप देखना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, वैसे आपको सपोर्ट कर? हाँ जी, आपको सपोर्ट कर। ओके, सो असी बहुत सारे लोगों ना गलबात की, सानू बहुत वधिया लग्या, मेले विच लोग घूम रहे सी, मेला उन्होंने बहुत वधिया लग्या, ते मोस्टली लोग ज़्यादातर सानू आम आदमी पार्टी के सपोर्टर मिले, कई पक्के सपोर्टर कांग्रेस के भी ने, बीजेपी के ने, मोदी भगत भी ने। सो वेखते हैं कि चेहरा सानू सामने देखने मिलेगा। सो मैं राधिका शर्मा एतिमान चैनल के नाल, देखते रहो सानू, असी तुहानूं चंडीगढ़ की वख-वख जगहां दिखाते रहेंगे, मेले दिखाते रहेंगे, पंजाब का विरसा, तो कैन कैन न्यूज़ थोड़े सामने लेके आवेंगे। सत श्री अकाल।